तो आज फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जय श्री राधे कृष्णा, राम राम। तो आज हम सुबह में वीडियो शूट कर रहे हैं, 16 तारीख है, ठीक है। तो आज मेरे पास दो तीन स्टॉक है जो कि बिगली टाइम फ्रेम के लिए अच्छा मुझे लगा यहाँ पे। तो दो तीन स्टॉक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पर डेली आप लोग को, डेली नहीं, एक दो दिन बाद में अपडेट कर देता हूँ कुछ कुछ स्टॉक, जो कि कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कुछ वीकली होता है, कुछ मंथली के लिए होता है। तो आज फिर से मेरे पास दो तीन स्टॉक है जो कि आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे उसको आप लोग 1 वीक के लिए, सेकेंड जो है जो वीक अभी चल रहा है थर्ड वाला, इसमें आप लोग होल्ड कर सकते हो, ठीक है। जुलाई का थर्ड जो वीक अभी आना चल रहा है उसमें आप लोग उसको बाइंग कर सकते हो, या 2 वीक भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि मेरे पास काफ़ी अच्छा अच्छा स्टॉक मेरे पास है। तो आप लोग मैं यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देना, ठीक है। तो ओके, चलो करते हैं हम लोग वीडियो का स्टार्ट। जी हाँ, तो पहला मेरा जो स्टॉक है यहाँ पे सोना कैम करके कंपनी जो है, सोना कॉम, इसको नज़र रखना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बड़े चार्ट फ्रेम पे इसको लगाता हूँ। पहले अगर 1 मंथ के चार्ट पे देखते हो तो काफ़ी मतलब रिकवर कर रहा है मार्केट। अभी जून में ये थोड़ा सा क्रैश आया था, सॉरी नवंबर के आसपास, उसके बाद देखो ये रिकवर कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने हाई पर ये जाने वाला है। कुछ दिन के बाद ये हाई लगा सकता है और काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। देख लो मंथली पे देखते हो तो अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, और अगर रेड बन भी रहा है तो वो पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है उसको उसके नीचे नहीं आ पा रहा है, तो एक अच्छा चीज़ है। मतलब रिकवरी मोड में ये कैंडल आप लोग देख लो, पूरे अच्छा यहाँ पे आप पैटर्न देख के समझ सकते हो यहाँ पे। पर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले स्टॉक के बारे में। तभी फिलहाल देख लो यहाँ पे, एक यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं मार्क करता हूँ। अभी एक डबल बॉटम बनाया था और कहने का इसको जो ब्रेक किया था, आप लोग देख लो एक अच्छा सा मूविंग मिला यहाँ पे कुछ दिन में, हम लोग कितना अच्छा मार्केट मूव किया है। और अभी पास में एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि कितना है, 715 के आसपास, मतलब कि 715 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसमें आप लोग देखते हो एक काफ़ी अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे जो बिकली बना है इसको ब्रेक किया है। फिर सेकेंड वाला भी जो बनने वाला भी रेडी, अभी 2-3-4 दिन बाकी है इस वीक का। तो अभी तो देख लो, अभी जो ग्रीन रेड कैंडल जो बना है नेक्स्ट वाला, अभी जो बना है 2 दिन में, तो अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, मतलब नीचे के लिए रेड कैंडल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। और वॉल्यूम भी देख लो कितना तक कम है, तो कहीं ना कहीं अभी रिकवर करेगा और इसको ये ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है इसका जो है रेजिस्टेंस जोन है, अगला नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी क्लोज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना आसपास है, 802, मतलब कि ज़्यादा आप लोग इसको होल्ड करते हो तो 802 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन। उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस जोन है मतलब कि 840 के आसपास है, मतलब ऑल टाइम इसका जो हाई है, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, अगर कुछ दिन इसको होल्ड करते हैं हम लोग, अगर इस वीक देखते हैं तो हमको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा। बट अगर ब्रेड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हो स्टॉक, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ कुछ फंडामेंटली एनालाइज कर देता हूँ। तो मैं ये जो आईटी सेक्टर, मैं पहले आपको बता दूँ आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है। मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ कुछ मेरे पास आईटी सेक्टर का भी स्टॉक है। तो यहाँ पे देख लो आईटी सेक्टर अभी एक बॉटम, दो बॉटम, डबल बॉटम बनाया है। तो अभी अगर फिलहाल अभी कितना 40,000 के आसपास एक रेयर नंबर मान लो, अभी ये ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। अगर इसको ये निकालता है तो आईटी सेक्टर में आप समझ लो, मतलब कि अभी आप खरीदते हो तो एक अच्छा मतलब प्राइस पे आपको मिल जाएगा। कोई भी इंडेक्स अगर आईटी सेक्टर का लेते हो तो अभी अच्छा प्राइस यहाँ पे लेने का। अगर यहाँ पे देख लो, अगर इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा से यहाँ पे मूव मिलेगा। मैंने इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। तो आप लोग देख लो डबल बॉटम है, और यहाँ पर से ऐसा नहीं कि एक ही बार में दो बार में निकल गया, यहाँ पे सब मिला के बात करें 3 बार ये बनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा रिकवर किया तो एक अच्छा सा बिहेवियर है मार्केट का। अगर इसको निकालता है तो एक अच्छा सा हम लोग अपसाइड के लिए मूव देख सकते हैं। आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, तो उससे पहले कि हम लोग का लेट ना हो जाए कोई स्टॉक में, तो उससे पहले हम लोग अच्छा प्राइस में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक सेकेंड, हाँ वही है ना इसको, एक सेकेंड, हाँ वही स्टॉक है, हाँ इसको देखना, सोना कॉम्स का जो कंपनी है इसको नज़र रखना। इसके बारे में और भी मैं थोड़ा सा एनालिस कर देता हूँ आप लोग को। आप लोग अगर देखते हो तो मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर भी, 3 साल के भी अंदर ठीक दिया, ठीक है। इसको हटाते हैं, बट यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ एक चीज़, एक सेकेंड रुक जाना।
इसका देखो मार्केट कैप भी लार्ज कंपनी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आरई रेशियो देखो कितना अच्छा है, 20% के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा बात है। और ईपीएस भी ठीक है, कंपनी ठीक ठाक कमा रही है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इंडस्ट्री भी देखो थोड़ा सा कम है, बट इसका अभी जो पीई रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब कि अभी अगर अभी मार्केट अगर उसको अगर इस वाले पोजीशन पे अगर मार्केट पहुंच जाता है तो पीई रेशियो इसको हाई और भी हाई हो जाएगा। तो उससे पहले कि अभी एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोग का अभी मतलब टाइम है कि हम लोग इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा पी रेशियो इसका मिल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन होगा, ऐसा बात नहीं है, बट और भी थोड़ा सी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू देखते हो पिछले 4-5 साल का, तो देख लो कितना अच्छा यहाँ पे मतलब रिकवर कर रही कंपनी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है। हम लोग पहले देख लो यहाँ पे 2023 में दो मतलब कि पिछले 2023 और 24 एक साल में, अभी 2024 पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, बट आप लोग देख लो ये कंपनी ऑलरेडी जो है 500-600 करोड़ के प्रॉफिट हो चुका है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा तो हम लोग को और भी ये बड़ा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपका ये तो रेवेन्यू हो गया, बट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी कितना बचाई है सब चीज़। तो देख लो थोड़ा सा 21 में कम हुआ था, बट लगातार अभी एक साल के अंदर देखते हो तो इधर भी 150 करोड़ के आसपास अभी मतलब प्रॉफिट मतलब इस साल अभी बना लिया है, तो अभी और भी 6 महीना बाकी है, तो ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक करे कंपनी। और नेटवर्क देख लो, नेटवर्क कंपनी का कहीं ना कहीं बढ़ा है, मतलब कि यहाँ पे देख लो 2023 में कितना था, 2200 करोड़ था, अभी 2800 करोड़ हो गया, मतलब के मतलब 500 करोड़ का इजाफा किया कंपनी, तो एक काफ़ी अच्छा रेयर नंबर है। बट एक चीज़ और भी देख लेते हैं इसका कंपनी का डिटेल, अगर बाय रेवेन्यू देखते हो, एक सेकेंड रेवेन्यू हटाते हैं यहाँ पे, एसेट देख लो कंपनी के, कहीं ना कहीं एसेट कंपनी का भी बढ़ा है 2024 में, अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है 2024, यहाँ पे देख लो एसेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है कंपनी का। और दूसरा जो लाइबिलिटी वो भी बढ़ा है कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे डेब्ट भी थोड़ा बहुत कम हुआ है कंपनी का, तो डेब्ट अब हटाओ, डेब्ट तो कंपनी पे है ही नहीं उतना, मतलब उतना तो होता है सब कंपनी पे होना चाहिए, ठीक है। बट और भी एक चीज़ दिखाता हूँ कंपनी जो करती क्या है, कंपनी थोड़ा सा कार का जो छोटा छोटा पार्ट होता है सभी चीज़ मतलब 10-15 सेक्टर में ये काम करती है, जिसका आप लोग मैन्युफैक्चरिंग आप लोग देखते हो यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, चाइना, मतलब सभी जगह इस लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3 व्हीलर 4 व्हीलर सारी चीज़ का यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काम करते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा कंपनी है, लार्ज है और काफ़ी अभी बूस्ट मतलब अभी कितना बूम पे है ये कंपनी, अभी आप लोग बाइंग करते हो तो एक अच्छा आप लोग का यहाँ पे दिन होने वाला है। बट यहाँ पे देख लो ये जो इन्वेस्टर लोग हैं बड़े बड़े लोग, म्यूचुअल फंड को देखते हो कितना 23% ये लोग होल्डिंग कर चुके हैं इस कंपनी में। भाई म्यूचुअल फंड वाले इसमें 23% म्यूचुअल फंड इसमें मतलब देख रहे हो इसमें इन्वेस्टेड किए हुए हैं। प्रमोटर भी 29-30% के आसपास है, फॉरेन कंट्री जो है FII आप बोलते हो उसको, वो भी 32% के आसपास इसमें इन्वेस्ट किए हुए, मतलब कि कंपनी में कुछ खास है और भी कुछ खास होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो इस बेसिस पे हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ये जो एनालिसिस हो रहा है मेरा, तो कभी और अच्छा मदद मिल जाता है इसमें, तो मतलब इससे साबित होता है कि हम लोग भी गलत नहीं है, हम लोग जो एनालिसिस हो रहा है वो अच्छा है। बट आप लोग भी अपना देखना, अगर आप लोग का भी जो आप सीखे हो उतना दिन में, आप लोग भी अपना एनालिसिस वगैरह मिला के देखना, अगर अच्छा मिलता है अगर मैच करता है तो प्लीज़ और अच्छी बात है, ठीक है, और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो ठीक है, इस कंपनी को देख लेना अभी, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा जो कंपनी मेरा है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो हमारे पास है विप्रो, नहीं विप्रो नहीं, पहले भी लक्स इंडिया कहाँ गया, हाँ लक्स इंडिया को आप लोग देखना, ये थोड़ा सा स्मॉल कंपनी है, पर यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अभी देख लो अभी डबल बॉटम बनाया था ये कंपनी, ठीक है, डबल बॉटम चार्ट यहाँ पे बना था 1 वीक के बेसिस पे, ठीक कंपनी है। बट आप लोग देख लो अभी मतलब डाउनफॉल आया था कुछ दिन पहले, बट अभी रिकवर कर रही है। अभी फिलहाल ही देख लो एक बिकली कैंडल देखते हो तो एक स्ट्रोंग कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया है, मतलब यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन था 1600 के आसपास, इसको निकाला है और अभी भी एक लगातार ये अच्छा कैंडल बना रही है। एक और भी रेजिस्टेंस जोन है छोटा सा, पर इसको भी निकाल लेती है, निकल ही गई समझो, और निकल ही गई समझो, ठीक है। तो एक अच्छा बाइंग जोन में अगर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट हम लोग देखें तो इसका हम लोग का एक मतलब कि 2600 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस वीक अगर 1-2 वीक देखते हैं हम लोग तो एक अच्छा सा यहाँ पे रिकवरी मोड मतलब अच्छा सा हम लोग का एक मतलब यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे और भी देख लो अपसाइड के लिए जा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखते हो तो ज़्यादा ये भी ज़्यादा दूर है अभी इसका जो हाई है, हाई जो इसका मैन है तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, इसको हम लोग देख सकते हैं।
इसका भी देख लेते थोड़ा सा फंडामेंटल। फंडामेंटल मुझे नहीं लगता है इसका उतना, मतलब सही मुझे नहीं लगा उतना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड रुक जाना। कहाँ गया, लक्स इंडिया था ना। हाँ, लक्स इंडिया को अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे, एक सेकेंड यार कहाँ गया, रुक जाना एक सेकेंड। लक्स इंडिया को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो लक्स इंडिया को लगाते हैं तो इच्छो मतलब कि यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड कहाँ गए। कंपनी थोड़ा सा स्मॉल कंपनी है, बट अगर रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू ठीक ठाक कर रही कंपनी, और यहाँ पे पी रेशियो ठीक ठाक है, और कंपनी ठीक ठाक कमा भी रही, और बुक वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि छोटी कंपनी उतना ज़्यादा आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकती है। बट इसका देख लो प्राइस कितना है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बुक वैल्यू इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। बट उससे क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2024 में आप लोग देख लो लगातार ये काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट जनरेट किया यहाँ पे, कम से कम आधा आधी का मुनाफा हुआ है। मतलब 2023 में देख लो कितना कम था, 19 करोड़, यहाँ पे 55 करोड़ के आसपास आए। तो यहाँ पे ठीक है 50-50 है, बट नेटवर्क में देख लो कंपनी का बढ़ा है, 1300 करोड़ से 1400 करोड़ हुआ, मतलब 1450 करोड़, 150 करोड़ का इजाफा हुआ है। ठीक ठाक है कंपनी, अच्छा स्टेबल है, और लोग देख लो क्लोथ वगैरह में काम करती है, टी शर्ट वगैरह ये सब है, ठीक है। इसका भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ये लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी चीज़ को। बट अगर आप लोग देख लेते हो इस कंपनी को, मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड वगैरह मतलब FII म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हाँ भाई, मतलब वो लोग पता है आप लोग को, वो लोग लार्ज कंपनी में ज़्यादा मतलब वो लोग देखते हैं, इन्वेस्ट भी उसी में करते हैं। बट अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमको तो भाई 1-2 मंथ के लिए इसको लेना है इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं तो एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो इसको नज़र रखना, अभी अगर इसको निकालता है तो हम लोग को एक नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है 2600 के आसपास, तो हम लोग लेके निकल सकते हैं। तो बट आप लोग भी अपना एनालिस देख लेना, अपना भी कर लेना। बट और भी नेक्स्ट जो कंपनी हमारे पास है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है विप्रो। विप्रो के देखना, विप्रो अभी देखते हो यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम लोग लगाए हुए हैं, ठीक है। तो विप्रो को देखो यहाँ पे, अभी एक अच्छा सा पहले तो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन था बहुत दिन पहले, उसको ही निकाली कंपनी, ठीक है। बट मैं पहले 12 टाइम फ्रेम पे आप लोग को लगाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो कंपनी अभी जो रिकवर मोड में है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 1 मंथ के अगर चार्ट पे आप लोग देखते हो तो मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं इसको रिकवर करने में। एक अच्छा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले इसको ब्रेकआउट किया, मतलब साइड के लिए निकला है, तो एक वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो मतलब कंपनी मुझे लग रहा है ये जो इसका जो ये ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 मंथ के कैंडल पे देखते हो तो ये जो 2 कैंडल बना है, तो मतलब कि यहाँ पे जोर लगा है, मतलब बायर्स का बहुत ज़्यादा पैसा है भाई इन्वेस्ट हुआ है। तो कंपनी ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत फॉल भी आते तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत वो तो आता ही सभी में आता है। बट यहाँ पे हम लोग 1 वीक के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, देख लो अभी एक अच्छा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, जो कि 550 के आसपास मान लो एक रेयर नंबर। तो इसको निकाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, 2 कैंडल 3 कैंडल जो बना है लगातार, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही, तो उससे होपलेस होने की बात नहीं है। तो अभी पूरा अभी 2-4 दिन बाकी है, 5 दिन, तो अभी इसको और भी निकाल सकती है। बट एक रेजिस्टेंस जोन ज़्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग का हो सकता है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कितना है, यहाँ पे दिखाता हूँ 625 के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग अगर जब भी बाइंग करते हैं इसको लेते हैं, तो एक हम लोग का शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग लेके निकल सकते हैं। बट थोड़ा सा और भी लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो इतना एरिया खाली है, हम लोग इसको रिकवर इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन पे है कंपनी, और नीचे देख लो एक अच्छा सा बॉटम भी बना है, 1-2-3, तो अच्छा निकला है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखना, बट हम लोग इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, ठीक है। विप्रो को, विप्रो देख लो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक ठाक है, कैंडल भी बनाया है, 5 साल के रिटर्न ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया यहाँ पे। और एक सेकेंड फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी बहुत ही लार्ज कंपनी, 3 लाख करोड़ का, और पी रेशियो भी देखते हो तो बाकी इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करते हो तो अभी मतलब कि 26 के आसपास है, और 32 है इंडस्ट्री पे, तो अभी कम मिल रहा है, क्योंकि अभी कंपनी जो है अभी थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है, ठीक है। तो अभी पूरा जो अप ट्रेंड में होता है मार्केट, अभी पूरा नहीं रिकवर किया, तो कहीं ना कहीं कम भाव पे अभी दे रही कंपनी।
तो एक अच्छा सा बैंक जो ना पीवी रेशियो भी ठीक ठाक है, मतलब कंपनी बड़ी है तो यार उतना आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो ठीक ठाक है। हम ऐसा नहीं कंपनी डूब जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, तो उसका तो भाई वो तो मतलब कि ना होने के बराबर है, वो तो उसको हटाओ आप लोग। बट यहाँ पे आरई रेशियो देख लो कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है हमको पर ईयर, ठीक है। डेप्ट भी बहुत कम भी कंपनी के पास है, डेप्ट है नहीं। और यहाँ पे देख लो रेवेन्यू, मतलब कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू कर नहीं रही, रेवेन्यू हो रहा है मतलब कि स्टेबल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से कंपनी है लार्ज कंपनी उतना ज़्यादा इसको प्रॉफिट हो नहीं रहा, बट यहाँ पे प्रॉफिट सॉरी रेवेन्यू था, प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट देख लो कहीं ना कहीं कंपनी का 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास इस साल बढ़ा है, अभी 3 4 महीना 6 महीना और बाकी ही है। बट नेटवर्क में हम लोग देखते हैं, नेटवर्क में थोड़ा बहुत सा कमी आया, तो वैसा क्यों भाई इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट पे जाते हैं, एसेट देख लो कंपनी का बढ़ा है, ठीक है बढ़ा नहीं है, हाँ यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का, ठीक है। टोटल एसेट मतलब पहले इतना था, कितना 170, थोड़ा सा घटा है यार, हाँ एसेट घटा है थोड़ा सा, तो हो सकता है कंपनी और भी कहीं इन्वेस्ट की होगी लाइबिलिटी में, हाँ इसको देखो बढ़ाई है कंपनी, तो मतलब कंपनी उतना ज़्यादा मतलब स्टेबल है, ज़्यादा ना मतलब अप ट्रेंड में आप लोग नहीं मान सकते ना ही डाउन में, थोड़ा सा स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है कंपनी, बड़ी है, आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिकव टाइम मतलब प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। बट यहाँ इसको आप लोग देखते हो तो आईटी सेक्टर से, आपको पता हो आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम में, आप लोग कुछ टाइम के लिए वेट करते हो तो एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग स्पाइक देखने को मिलेगा अभी अपसाइड के लिए, तो इसको भी देखना। आपको पता हो विप्रो, तो इसे भी आपको पता होगा, यहाँ पे देख लो फॉर्गन, अगर मैं एक सेकेंड अभी मैं दिखा रहा था कंपनी जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, तो देख लो म्यूचुअल फंड वाले पागल तो नहीं है, रिटेलर लोग पागल सॉरी प्रमोटर लोग इतना मतलब प्रमोटर तो छोड़ दो उनका खुद का, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए 3 4%, ठीक है थोड़ा ज़्यादा नहीं कम नहीं है, मीडियम है। बट फॉरगन जो कंट्री एफ आई वो देख लो कितना अच्छा, ये लोग 10% के आसपास यहाँ पे इसमें होल्ड करके रखे हैं। म्यूचुअल फंड वाले इसलिए नहीं इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं ज़्यादा कम है, क्योंकि उन लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा रिटर्न चाहिए, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, तो ये लोग पैसा निकाल के कभी उसमें उसमें होता है ना अलग अलग कंपनी में लोग ट्रांसफ़र करते रहते, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कम नंबर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर टेक्निकल देखते हो तो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, मतलब कि अच्छा यहाँ पे हम लोग का ये यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर दें तो हम लोग को एक अच्छा सा रिकवर मतलब अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट हम लोग देख लेते हैं और भी बहुत सारा स्टॉक मैंने दिया था, तो आज के लिए बस इतना ही था। बट हम लोगों ने पिछले बार भी कुछ कुछ स्टॉक दिया था उसको देख लेते हैं। ONGC को दिया था, आप लोग देख लो कितना अच्छा अभी मतलब चल रहा है, मैंने दिया था ONGC को, आप लोग इसको नज़र रखना, अभी देख लो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी निकाल दी इसको है, तो मैंने बोला था इसको रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी 1 वीक के लिए बताया था, तो इसको देखो कितना अच्छा निकाली है कंपनी, ठीक चल रहा है। लेबोरियस लैब को दिया था, लेबोरियस लैब अभी देख लो अभी जो एक कैंडल बना था वीकली वाला ग्रीन, अभी इसको ये इसको ब्रेक ब्रेक डाउन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है इसको जो ये जो निकाला है लेवल जो एक सेकेंड ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर ही कंपनी इसी के आसपास सस्टेंस कर रही है, अगर निकालता है मतलब ये घबराने वाली बात नहीं, कंपनी ठीक ठाक कंडीशन में अभी ठीक, मैंने इसको जो बताया था अभी ठीक चल रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। और भी यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाना, एक लाइन क्या हुआ, हाँ अटू लोटो को दिया था, अटू लोटो भी देख लो जो ब्रेकआउट किया था, ठीक है इसके ऊपर ही अभी सस्टेंस कर रही है, तो ये भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है इसको भी नज़र रखना आप लोग। 1 वीक पर दिया था ना, हाँ देख लो अभी जो अपसाइड के लिए जो ब्रेकआउट किया था ऑल टाइम हाई पे, तो अभी उसके ऊपर ही सस्टेंस करे, तो अभी घबराने की बात नहीं है, अभी और भी बाकी है बाकी दिन, मतलब कि इसको निकालेंगे अभी, ठीक है आप लोग होपलेस मत होना। और इसको भी दिया था गोदरेज को, यहाँ पे देख लो आप लोग को दिखाता हूँ, 1 मंथ के देखता हूँ, 1 मंथ पे देखते हो तो कभी मैंने इसको बताया था 1 वीक के लिए और 1 मंथ के लिए बताया था, तो यहाँ पे देख लो दो कैंडल देखते हो तो ग्रीन ग्रीन है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आप लोग ज़्यादा होपलेस भी मत होना इसमें भी, अभी ये भी ठीक कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं जो सारा कंपनी मैं दे रहा हूँ काफ़ी अच्छा वर्क कर रही, बट अपना आप भी अपना एनालिसिस करके देखना, तो अगर मैच करता है और भी बाकी सारे लोगों को देखना, तो अगर मैच करता है तो आप लोग के अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और हमको भी बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो बस मेरा ओपिनियन यही था, बस आज के लिए इतना ही, तो और भी कुछ कुछ स्टॉक आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा उसके, तो वैसे ही वीडियो के लिए आप लोग लाइक शेयर कर देना,
और दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, और भी कोई इंटरेस्टेड हो गए इस लोग में तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।